वेलकम टू माई YouTube चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमैरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे मुंह पर एक अलग सी खुशी है। बिल्कुल वो खुशी है, वो यूँ है क्योंकि आज मैं कुकिंग नहीं करूँगी। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ गेस्ट को हमने इनवाइट किया है, जो आकर के आप बल्कि यहाँ देख रहे होंगे हमारे मेन्यू पर कि आज क्या बन रहा है। तो वो मैं नहीं बनाऊँगी, हमारी जो स्पेशल गेस्ट है, आप सब लोगों की फेवरेट भी हैं, तो वो हमारे लिए आज कुकिंग करेंगी। मैं रहूँगी, आप लोगों के साथ ही रहूँगी, उनके साथ ही रहूँगी, बट कुकिंग का आज डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे अक्सर पूछा है कि मैं कपड़े कहाँ से लेती हूँ, कहाँ से बनवाती हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। मेरी शॉपिंग होती भी बहुत डिफरेंट है, मुझ में पेशेंस थोड़ा सा कम है शॉपिंग वाइज। मम्मी में जिस तरह आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अभी जो हमारी परसों वीलॉग गई थी उसको इतना पसंद किया, तो उस तरह की शॉपिंग के लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो शॉपिंग में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, तो मेरा भी ये होता है कि जो चीज़ जहाँ मुझे समझ आती है, इकोनॉमिकल लगती है, मैं वो ले लेती हूँ। ये वाला जो मेरा आउटफिट है, ये मैंने सिलवाया है मम्मी लाहौर से मटेरियल लाके। वही होता है, लाला के मुझे देती रहती हैं, फिर मैं सिर्फ स्टिच करवा लेती हूँ। तो स्टिचिंग जो मैं अपनी यूजुअली करवाती हूँ, वो मैं लिबास लैब से करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वो, उनका नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है, तो जिनको चाहिए वो वहाँ से स्टिचिंग करवा सकते थे। चलें, अब टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग बेचैन हो रहे होंगे कौन है जो हमारे लिए आज खीरज और मीठी टिक्किया बनाएंगी। आप सबको पता है आगे इंशाल्लाह बड़ी रात आ रही है, आप लोगों ने ये ज़रूर बनाना भी है और हमें बताना भी है कि ये कैसे बना। तो चलें हम इन्वाइट करते हैं आप सबकी फेवरेट आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैराज यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवरी। परेशान नहीं हुई है, आप लोग चाहते थे कि मैं आपको अपनी कोई स्पेशलिटी बताऊं, सिखाऊं, तो ये जो आज दो रेसिपीज़ आपको मैं सिखाने जा रही हूँ, ये मेरी माँ की रेसिपीज़ हैं। और इत्तेफाक की बात है कि वो बहुत अच्छी बनाती थी और इसको मैंने ट्रेडिशन को अभी तक कायम रखा है, एंड आई मेक इट। तो सुमैरा ने कहा मम्मी आप ही बना देना, मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो हम आज बना रहे हैं मीठी टिक्किया और खीरज। खीरज में फ़र्क इतना है कि खीरज बोलते हैं कि हम उसको चावल की खीर को हम खीर बोलते हैं। इसमें मैं एंड में दो टेबलस्पून साबुदाना भी डालूंगी भिगोया हुआ, तो ये मेरे पास रखा हुआ है साबुदाना, ठीक है। इसको हम भिगा देते हैं। कितने पानी में? थोड़े से पानी में। ओके, बस इसमें आप पानी भर दो, इसमें हम इसको भिगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चाहिए दूध। पहले हम खीरज बनाएंगे या मीठी टिक्किया बनाएंगे? पहले हम ऐसा करते हैं, हम मीठी टिक्किया का आटा गूंद लेते हैं क्योंकि उसको हमें थोड़ी देर रखना है, ठीक है। मीठी टिक्किया बनाने के लिए ये मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी बना रही हूँ, आप डबल भी कर सकते हो। हम ले रहे हैं 2 कप मैदा। मेजर्ड है ये, 2 कप हमने मैदा ले लिया, ठीक है। इसमें हम डालेंगे सूजी 6 टेबल स्पून, ठीक है, ये चली गई। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, ये वो खीर का है, हमने इंग्रेडिएंट सेपरेट रखे हुए, 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून तेल, सेसमी सीड्स, कोकोनट डेसिकेटेड 2 टेबलस्पून, और अंडा आप इसमें डाल दीजिए 1/2। पूरा भी डाल सकते हैं, अगर आप पूरा डालेंगे तो होगा क्या कि आपकी जो टिक्किया वो थोड़ी खस्ता बनेगी। डाल देती हूँ, ठीक है। अब एक काम हमें और करना है, हमें दूध चाहिए इसको भूनने के लिए। दूध हम ले रहे हैं इसमें 1/2 कप है, मेजर्ड है ये, ठीक है। और हम इसमें चीनी डालेंगे, शुगर, कैस्टर शुगर बारीक बारीक चीनी 1/2 कप। ये मशीन में भी गूंद सकते हैं ना?
ये मशीन में गूंद सकते हैं ना, मशीन में गूंद सकते हैं, मशीन में कर सकते हैं, बट आई प्रेफर डूइंग इट लाइक दिस। ये मैं सुमेरा को दे रही हूँ कि चूल्हे की तरफ जाके और इसको बस हल्का सा मैं मतलब ल्यूक वार्म हो, दूध एकदम गर्म ना हो, फिर वरना ठंडा करना पड़ेगा, बस हिलाती रहे ताकि चीनी घुल जाए और फिर यहाँ आ जाए। और घी इसमें जाएगा जब तक मैं घी इसमें ब्रेड क्रम्स की तरह कर रही हूँ। ओके, हमें चाहिए घी क्वार्टर कप। ये देखें ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है और ये दूध जो हमने पकाया था चीनी के साथ उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी ये गरम है लेकिन आप मत रखिएगा गरम, ठीक है, मैं तो खैर संभाल लूंगी। इसमें कितनी टिक्कियां बन जाएंगी आधा किलो में? बन जाएंगी 18 से 20। आप फिर डबल ट्रिपल जिस तरह आपको बनाना है आप कर सकते हैं। बस और नहीं जाएगा। देखें थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसमें मैदे की जरूरत है, जरा सा मैंने नॉट इवन 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून डाला है, अपने हाथ को हाथ पे से जो एक्सेस लगा हुआ है वो निकल जाए। ठीक है, इसको अब हम थोड़ी सी देर रख देते हैं ताकि इसको क्लिंग रैप लगाना है। क्लिंग रैप लगाना, हाँ, कुछ भी लगा के या गीले कपड़े से ऊपर से कवर करके इसको। अब मैं चल रही हूँ खीरज की तरफ। 1 टेबलस्पून घी लेते हैं, उसमें चावल डालेंगे हम सोक किए हुए, ठीक है, और 1 लीटर दूध जाएगा। चावल आपके लिए है 1/2 कप। ये चावल मम्मी ये आपने बता दो कि हमने पूरी रात सोक किया था इसको। 1/2 कप चावल है और 1/2 कप चावल हमने अच्छी क्वालिटी के लिए, आप हल्के भी ले सकते हैं। और इस 1/2 कप चावल को एक बात याद रख लीजिए, हमने पूरी रात के लिए सोक किया था। आप देखें जब ये चावल को देखें, मैं हाथ से यूं कर रही हूँ और चावल पूरा मेरा टूट रहा है, ये देखें पूरा टूट रहा है, ठीक है। तो पूरी रात चावल को सोक करें तो ये फटाफट गलेगा। चलें 1 टेबलस्पून घी, 1 लीटर मिल्क। पहले चावल डालेंगे जो पूरी रात हमने भिगाए हुए हैं, 1/2 कप चावल, 1/2 कप इसको फ्राई कर लीजिए। अगर आप इसमें चाहें तो 2 छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, ज़रा सा खड़खड़ा लें, 2 छोटी इलायची डाल दें, 1 लौंग डाल दें, बड़ा उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मेरी मम्मी डालती थी बट आई डोंट ऐड। अच्छा, उसके बाद चावल को भुनें, भुनने के बाद इसमें जा रहा है 1 लीटर दूध। मैंने डाल दिया इसमें 1 टेबलस्पून घी, 1 लीटर मिल्क एंड 1/2 कप ऑफ राइस सोक्ड ओवरनाइट। ये डालने के बाद अब इसको मैं चला रही हूँ, आपको ख्याल रखना है कि चावल बिल्कुल भी लगे नहीं, ठीक है। इसको कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे ताकि
चावल गल जाए। जब चावल गल जाएगा तो जो आपका इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर आता है उससे आप इसको ज़रा सा ब्लेंड कर लीजिएगा। जब ब्लेंड करने हम लगेंगे तो उस वक्त हम वापस आते हैं जब तक चावल गल जाए ना। जब तक सुमेरा खीर देख रही है उसको चावल गलना चाहिए। और तो हम आ गए हैं मीठी टिकिया की तरफ। थोड़ा सा हम मैदा छिड़केंगे, इस पर ज़्यादा नहीं छिड़कना है आपको, वरना हमारा घी फ्राइंग करते वक्त ख़राब होगा। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा स्मूथ हमारा टिकिया का डो हो गया है। अब इसको हम बेलते हैं। बहुत मोटा नहीं रखना है, हमारी टिक्कियाँ कच्ची रहेंगी। बहुत बारीक नहीं करना है, टिक्कियाँ टूट सकती हैं। कटर ले लीजिए राउंड। मम्मी इसका घी का चूल्हा मैं जला दूँ? बिल्कुल, और घी का चूल्हा जला दीजिए। ये देखें, ये साइज 1/4 inch थिक आपने बेल लिया। मैं थोड़ी बड़ी टिक्किया बना रही हूँ टाइम की वजह से, कि टाइम हमें इतना नहीं है कि मैं बैठूँ और छोटी छोटी बनाऊँ, वरना छोटी टिक्किया बनाएंगी तो आपकी आराम से इसमें 1.5 dozen बन जाएगी। और अभी इसमें मेरे ख़्याल से 12 बनेगी। कुछ जी जनाब, ये हमारे सारी बेल चुकी हैं और खीर को भी अब चेक करते हैं। और ये देखें, काउंट करके बताओ, 4 इधर है, मेरे 5 इधर बनेंगी। 15, हाँ मैंने कहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये साइज अच्छा है, इससे छोटा बहुत टाइनी हो जाएगा। ये है कि आपको, मुझे 2 नहीं खाने पड़ेंगे, एक में बस है। ठीक है, घी रख दिया है कढ़ाई में गरम करते हैं। अब इसको हम डाल रहे हैं फ्राइंग के लिए। एक डाल के देखते हैं कि हमारा तेल घी गरम है या नहीं है। ठंडे में डालेंगे वो बिखर जाएंगे। चावल गल गए थे तो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। हैंड ब्लेंडर से नहीं, पोटैटो मैशर से कर लें, विस से कर लें, बस चावल को जैसा कनकी होती है छोटी छोटी पीसेस वैसे कर लें। और ज़्यादा नहीं डालने, बस। और फौरन से आपको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं हिलाना है कि खुदा ना खास्ता कभी टूट ना जाए। और ये डीप फ्राइंग है तो नेचुरली दोनों साइड से ब्राउन हो जाएंगे। जी अब इसको भी फ्राइंग हो रहा है, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। दोनों साइड पे टर्न नहीं किया है मैंने, दूध को हमने ब्लेंड कर लिया था चावल को। अब इसमें जा रहा है कंडेंस मिल्क 1/2 to 3/4 tin। आप मीठा चख लीजिएगा बिकॉज दूध सिर्फ 1 kilo है। हम 1/2 tin डाल रहे हैं। इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ तो फिर आप थोड़ा 3/4 tin डाल दीजिएगा। और टिन कौन सा वाला है, जो 420 ml का आता है वो वाला है, दरमियाना वाला। ठीक है, वो चला गया। क्रीम जाएगी टेट्रा पैक की, क्रीम डाल दें या घर की मलाई डाल दें। ठीक है, 3 to 4 tablespoons हम लोग क्रीम डाल रहे हैं। हिलाओ फौरन सुमेरा। क्रीम चली गई, साबुदाना जाएगा, सोक किया था जो आपके सामने हमने, वो सोक किया हुआ साबुदाना डाल दो पूरा। हाँ पूरा डाल दो। अब इसमें जाएगा इलायची और ज़ाफ़रान। दिखा दी ज़ाफ़रान और इलायची, वी लव ज़ाफ़रान सो वी एडिंग लिटिल मोर। बट जो लोगों को लगता है कि ज़ाफ़रान महंगी है तो ज़ाफ़रान नहीं डालें, ज़ाफ़रान एसेंस और इलायची पाउडर डाल दें। अगर आपने शुरू में बताया था कि दूध में 1 या 2 इलायची, जी शुरू में डाल दें अगर डालना चाहें, डाल लें तो फिर भी इलायची पाउडर डालें, बिल्कुल डालेगा वो, तो सिर्फ घी में ज़रा सी खुशबू आ जाती है सिर्फ इसलिए। ठीक है, बादाम पिस्ते अभी डालेंगे? नहीं, बाद में। खीर हमारी खीरज गाढ़ी हो जाए, दैट्स इट। आप निकालें, बोल में ठंडा करें, गुलाब की पत्तियों के साथ सर्व करें। जब मेरी मम्मी के टाइम पे ये कुंडों की न्याज होती थी तो हम लोग मम्मी इसमें
चांदी के छल्ले डालते थे और फिर जो भी खाता था उसको चम्मच से जो लेके अपने प्याले में डालता था उसमें चांदी की छल्ला जिसको मिल गया वो उसका हो जाता था। तो पहले तो पता नहीं क्या क्या होता था। बहरहाल अब तो हम ये तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, वरना तो अब मैं करती भी नहीं हूँ। इसका फ्राइंग टाइम फॉर द फर्स्ट 2 to 3 minutes इन इट्स ऑन लो फ्लेम। फिर आप इसकी आंच तेज़ करें और फ्राई करें फॉर 5 to 7 minutes। टोटल मैक्सिमम 8 to 10 minutes में हो जाती है, 8 minutes में हो जाती है। बहुत तेज़ पे नहीं शुरू से करिएगा, अंदर कच्ची रहेगी, ऊपर डार्क कलर आ जाएगा। मैं और डाल चुकी थी। ये खीर आप लोग देखें, ये साबुदाने ऊपर बॉईल होके आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रही है। इसमें लास्टली आप ये देखो, ये थिक हो रही है, ठंडी होके ये ज़्यादा थिक होती है। बादाम पिस्ते जा रहे हैं 2 टेबल्स। और ये हमारी मीठी टिक्कियाँ भी रेडी हैं। एक यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए। और ये तिल देखें, तिल जो मैंने डाले थे किसी किसी पे, कितने खूबसूरत, ये देखें, इस पे देखें कितने हसीन लग रहे हैं तिल। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 टेबल स्पून डाले, आप 2 डाल दो, कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग को कोकोनट पसंद है तो बिल्कुल। और ये देखें खीर में ज़ाफ़रान का कलर कितना प्यारा निकल आया है। और खीर गाढ़ी हो रही है, लेकिन मैं इसी वक्त खीर को बंद कर दूंगी, इसलिए कि खीरज ठंडी होने के बाद बिल्कुल सही उस पर आ जाती है। तो ओवर कुक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, फिर टिकिया के साथ खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। हम लोग खीर और टिकिया किसा खाते हैं, एक प्याले में खीर लेते हैं, आप खा के बता देना, आप ना बताओ भी, और उसको हम तोड़ते हैं खीर में डाल के, एंड देन वी ईट इट विद अ स्पून, बहुत अच्छी लगती है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा की रेसिपी आपको हमने आप तक पहुंचा दी। आप उनके लिए दुआ कीजिए ताकि उनको सदका जारिया हो। और ये ज़बरदस्त सा हमारा प्लेटर था लाहौर का, जो आपको कल आपने हमारे ब्लॉग में देखा था, गुलाब की पत्तियों के साथ आप इसको सर्व करें डेकोरेट करके। गुलाब की पत्तियां नहीं हैं तो आप इसमें वो डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते, डेकोरेशन सब आपकी अपनी। हाँ बिल्कुल। और खीर देखें, अच्छा बादाम पिस्ते भी आपकी मर्ज़ी है, पिसे हुए डालने मोटे मोटे ग्राइंड किए हुए वो डाल सकते हैं, स्लाइस डालने स्लाइस डाल सकते हैं, टोटली योर चॉइस। आज जो हमने आपको सिखाया वो स्पेशल खीरज और हमारी टिकिया थी, ठीक है। और आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं ऑफ एंड ऑन कभी कभी अपनी रमज़ान की ख़ास स्पेशलिटीज़ लेके आपके लिए आऊँगी, जो मेरी ख़ास है, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद होती है, जो आप घर में बनाएंगे आप भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। एक और भी रेसिपी आ रही है ख़ास, जो आप ही की स्पेशलिटी है। हाँ वो भी बहुत मज़े की है, वो मीठा है, उसकी फरमाइश भी बल्कि आई हुई इंशाल्लाह, वो भी मैं करा दूँगी। और अब फिर रमज़ान से पहले आपको जो मेरे घर में जब मेरा बेटा आता है और जब वो कहता है कि मम्मी ये खाना है, तो उनमें से 2-3 रेसिपीज़ जो मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब आप ट्राई करके बता दो। और फल्ला मैं ट्राई, ये देखें हम लोग ऐसी, अभी और गाढ़ी होगी, बहुत गर्म है ये। हम लोग इस तरह से खाते हैं इसको, पूरा आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊं। इसको आपने लिया, खस्ता बनी है ना, बहुत खस्ता है, और इसको आपने यूं प्याले में डाला, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया। आपका कोई मोटापे का राज पता चल गया आज, ठीक है। और फिर इसमें डाल माने रही, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है। प्लीज ट्राई की नानी माँ, याद आ गई, ज़रूर ट्राई कीजिए। खीर ठंडी करके खाएं ताकि थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए,
टिकिया को एयरटाइट डब्बों में अच्छी तरह सेव करके रखें, 15-20 दिन भी ख़राब नहीं होती। ठीक है जी, चलें। आई होप इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आया होगा। डोंट वरी, आती रहेंगी, जल्दी जल्दी आती रहेंगी, व्लॉग्स भी बनते रहेंगे, मम्मी भी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।